धमाकेदार शो बिग बॉस 16 में सुम्बुल तौकीर खान, टीना दत्ता और शालीन भानोट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते सोमवार के एपिसोड में सुम्बुल तौकीर खान के पिता ने फोन कॉल पर बेटी से बात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शालीन भानोट और टीना दत्ता को उनकी औकात दिखाने की सलाह दी। साथ ही टीना दत्ता को अपशब्द भी कहा था। इस बात को लेकर लोगों ने सुम्बुल तौकीर खान के पिता को जमकर ट्रोल किया था। वहीं अब टीना दत्ता की मम्मी ने भी उन पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने वीडियो शेयर कर सुम्बुल के पिता को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि आप होते कौन हैं किसी दूसरे की बेटी को अपशब्द कहने वाले। टीना दत्ता की मम्मी ने एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, नमस्ते, मैं हूँ टीना दत्ता की मम्मी। क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला जो दूसरे कंटेस्टेंट्स के माता पिता को मिला, इसलिए मैं आज आप सबसे बातें करना चाहूंगी। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पर गाली दी गई। उसके पिता ने कहा कि टीना के मुंह पर लात मारो। आप होते कौन हो मेरी बेटी को गाली देने वाले? अगर आपकी बेटी गलत जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरी बेटी को गाली दोगे? टीना दत्ता की मम्मी ने अपने वीडियो में आगे कहा, आप लोग सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी को लेकर इतने बुरे बुरे शब्द कहे गए। बता दें कि वीकेंड का वार पर टीना ने सुम्बुल को लेकर कहा था कि वो शालीन के पीछे पड़ी रहती है, उसे छोड़ती ही नहीं। जिसके बाद सलमान ने भी सुम्बुल की फटकार लगाई थी और उन्हें शालीन से दूर रहने की हिदायत दी थी। सुम्बुल को टीना की ये बातें अच्छी नहीं लगी थी। वहीं सुम्बुल के पिता को भी टीना की ये हरकत पसंद नहीं थी। जिसके बाद सुम्बुल के पापा ने उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जो अब टीना की माँ को रास नहीं आई। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सलमान खान इस मामले पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।